करीब 8 साल से ड्यूटी से गैर हाजिर सिपाही की साफगोई उसकी ढाल बन गई। कुमार शानू की गायकी का दीवाना सिपाही माया नगरी मुंबई चला गया। वहां भटका, बीमार हुआ, फिर विभाग ने खोजबीन और जांच शुरू की तो लौट आया। मंगलवार को वह एसपी के सामने पेश हुआ। पहले साहब को घुमाया, फिर सच्चाई बताई, उनकी फरमाइश पर एक गाना भी सुनाया। जी हाँ, ये पूरा मामला यूपी की प्रतापगढ़ पुलिस लाइन का है, जहाँ बांदा निवासी प्रेम नारायण का तबादला महोबा जनपद से साल 2014 में प्रतापगढ़ कर दिया गया, जहां से ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चला गया। लेकिन अचानक मंगलवार को सिपाही प्रेम नारायण ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना परिचय दिया। एसपी ने सीओ लाइन से जानकारी लेने के बाद सिपाही के 8 साल तक गायब रहने के बारे में जानकारी ली, फाइल भी देखी। सिपाही पहले तो एसपी को घुमाने की कोशिश करता रहा, मगर बाद में हकीकत बयां कर दी। उसने साथ ड्यूटी करने वाले 5 सिपाहियों को भी गवाह के रूप में लाकर एसपी के सामने खड़ा कर दिया। प्रेम नारायण ने एसपी को बताया कि वह कुछ दिनों तक मुंबई में गीत गाने की तैयारी कर रहा था। मशहूर गायक कुमार शानू की तरह गीत गाने का सपना देखा था। गीत गाने की तैयारी के दौरान मुंबई में उसकी तबीयत खराब हो गई थी। 2 साल तक इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ तो वह महोबा पुलिस लाइन गया। आप बीती सुनाई, लिखा पढ़ी की, लेकिन उसकी मदद नहीं हुई। उसके बाद से वह भटक रहा था। क्या नाम है आपका? लास्ट टाइम जब आप पेश हुए थे तो उस टाइम भी ये बात थी कि आप 8 साल के बाद दोबारा एडी सर के आदेश में उसमें जांच की थी और इसमें जो सीओ सिविल लाइन है, जो सीओ लाइन है, उनके द्वारा हम होगा भी जाके सारी की सारी चीज़ों को चेक, आपकी चरित्र पंजिका भी मिली है, ठीक है। तो 8 साल तक बिल्कुल लापता रहने का कारण क्या है? सर, एक्सीडेंट हो गया था, तो सही हुआ तो गया, किसी ने बोला तो यहाँ पे तो नहीं आए आप कभी? सर, यहाँ नहीं आए, हम वहीं से कहते रहे, महोबा ही जाते थे। महोबा से तो आपकी रवानगी हो चुकी थी? रवानगी हो गई थी सर, लेकिन कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं था ना, हमने रवानगी करवाया था। इस दौरान आपको आपकी सैलरी का क्या रहा? सैलरी नहीं, सैलरी नहीं। परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से? जो जमीन थी वो एक फूल मिले थे, वो मैं बेचता रहा, सर आप उसकी जाँच कर रहा हूँ। परिवार थे तो फिर कैसे बेचते थे?